इन्वेस्टिगेट वेदर 923 इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ भी आपको हमें चेक करनी ही होगी। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लो पी इज इक्वल टू 923। अब आपको एक ऐसा नंबर, ऐसा होल नंबर सोचना है सच दैट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 923, ठीक है। कौन सा वैसा नंबर है, तो 30 टाइम्स 30 आपका कितना हो जाएगा 900, मतलब 31 टाइम्स 31 करोगे दैट विल बी एग्जैक्टली ग्रेटर देन 923। तो 31 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 923, मतलब कि n की हमारी वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n जो है, ठीक है, 31 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो सारे फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 31। सो ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 31। तो वो लिस्ट आउट कर लो आप पहले, तो 2 से स्टार्ट कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या हो गया 17, 19, 23, उसके बाद 29 एंड 31। और कुछ है तो स्टार्ट करो आप स्मॉलेस्ट से, जैसे ही आपको कोई फैक्टर मिल जाता है तो आप स्टॉप को जाना उसे, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें सारे फैक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो दिस विल नॉट डिवाइड। 3 सम ऑफ डिजिट्स देखो, 9 + 3 = 12 + 2 = 14, 14 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट देखो, ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये 5 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा उसको। 7 से करके देखो, 7 × 13 = 91, 91 + 13, तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है आपको। 11 से देखो, 9 + 3 = 12 - 2, 12 - 2 = 10, 10 आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी आपका, ठीक है, 11 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 13 से देखोगे, 13 × 7 = 91, ठीक है, उसके बाद फिर 13, ठीक है, ये डिवाइड कर दे रहा है। 923 को अगर डिवाइड करते हो 13 से, 13 × 7 = 91, तो ये माइनस करोगे 1, फिर ये 3 नीचे लाओगे, 13 × 1 = 13, ठीक है। देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, मतलब आप बोल सकते हो 13 और 71 आर फैक्टर्स ऑफ 923, ठीक है, ये आपका डिवाइड कर रहा है 13। सो यू कैन से एज 13 और 71 आर फैक्टर्स ऑफ 923, सो 923 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 923 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ओके।